अब मैं आपको अनुपात समानुपात सवाल बताऊंगा संख्या वाले, या तो संख्याओं का योग देगा या संख्याओं का अंतर देगा या संख्या का उड़ा देगा। तीनों टाइप के सवाल आप बोर्ड पर देंगे। वो कह सकता है कि तीन संख्याएं, उसने कहा कि तीन संख्याएं चार अनुपात पांच अनुपात चार अनुपात पांच अनुपात तीन के अनुपात में, तीन संख्या जो है वो चार अनुपात पांच अनुपात तीन के अनुपात में है, इनका योग कह रहा है, इनका योग जो है वो 48 है, इनका योग 48 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी या सबसे छोटी संख्या क्या होगी या अलग अलग संख्या पूछ सकता है तीनों। तो ध्यान देना बेटा, इनका योग कह रहा है, अगर इनका योग कह रहा है तो इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ के रखेंगे, इन तीनों को जोड़ लो, यानी कि चार प्लस पाँच प्लस तीन, इन तीनों को जोड़ लो तो हमारे पास योग हो रहा है बारह। बारह का मान दे रहा है आपको 48। 28 को काट सकते हो, 12 चौक 48, यानी कि एक की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4। ध्यान देना, एक की वैल्यू 4 आ रही है तो मुझे निकालना है कितने की, 4 की वैल्यू, एक की वैल्यू 4, 4 चौक 16, आप कर दो 4 इंटू 4 बराबर 16, 5 की वैल्यू तो 4 इंटू 5 बराबर 20, और 3 की वैल्यू तो 3 इंटू 4 बराबर 72। इस प्रकार से आप तीनों संख्या निकाल सकते हो। अगर पूछे बड़ी संख्या कौन सी है तो 20, छोटी कौन सी है 12। इसी प्रकार से इनके अंतर पर आधारित सवाल आता है, उन्होंने कहा कि दो संख्याएं 7:3 के अनुपात में इनका अंतर 20 है, इनका अंतर 20 है, संख्या का भी अभी आपने देखा इनका योग था तो मैंने इन तीनों का योग किया, अब इनका दे रहा है अंतर तो इन दोनों का कर लूँ अंतर, यानी कि 7-3 का अंतर दे रहा है 20। हम इनका अंतर देखें घटा दें, मेरे पास कितना आएगा 4 बराबर 20, और काट के एक की वैल्यू आ गई 5। ऐसे यहाँ एक की वैल्यू 4 निकली थी हमने मार रहा था, ऐसे यहाँ एक की वैल्यू 5 तो 5 का मार रहा, यहाँ पे एक की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू होगी 35 और 3 को भी 15, यानी कि 7 × 5 बराबर 7×5 35 और 5 × 3 बार 5 दिया 15। इस प्रकार से आप इनकी वैल्यूओं को निकाल सकते हो। ये योग पर आधारित है, ये आपके माइनस पर आधारित है, इसी प्रकार से आपके गुणा पर आधारित भी आ सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में इनका गुणनफल 72 है, इनका गुणनफल 72 है तो संख्या क्या है। अब ध्यान देना, इन दोनों का गुणनफल दे रहा है तो हम इस संख्या को मान लेंगे 1x और ये 2x, तो गुणनफल में x मान लो क्योंकि इसका वर्ग निकालना पड़ेगा, इन दोनों का गुणनफल दे रहा है 72 तो गुणनफल कर लो 1x × 2x बराबर दे रहा है आपको 72। हम 2 से काटेंगे ये कटेगा 36 बार, x × x करें तो x वर्ग बराबर हमारे पास आ रहा है 36, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। ये गुणनफल एक्स की वैल्यू 6, यानी एक्स की वैल्यू 6 एक्स लो 6 एक्स की वैल्यू याद हो तो 6 × 6 और याद हो गए तो 2 × 6 बराबर आ जाएगा मेरे पास 12। ये हमारा योग पर आधारित सवाल था, ये हमारा अंतर पर आधारित सवाल था और ये हमारा गुणनफल पर आधारित सवाल है। ये तीनों प्रकार के सवाल आपके आर्मी जीडी के दृष्टि से अत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इन्हीं पर आधारित प्रश्न आपके आर्मी जीडी में पूछे जाते हैं।